पंजाबी आलू बढ़िया बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 4-5 लहसुन की कलियाँ जिनको मैंने छील लिया है, 2 हरी मिर्च, 2 बड़े प्याज, 2 बड़े टमाटर। इन सब का मैं पेस्ट तैयार कर लूँगी। प्याज, हरी मिर्च और लहसुन का मैं एक साथ पेस्ट तैयार करूँगी और टमाटर का मैं पेस्ट एक साथ तैयार कर लूँगी। हम साथ में ही नबालू जो सोयाबीन की हमारी अमृतसर पड़े हैं, उड़द दाल की हैं, इनको हम लोग तल लेंगे जिससे फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे सरसों के तेल में मैं इसको फ्राई करने जा रही हूँ, तो मैं इसमें अपनी जो मेरी उड़द दाल की बढ़िया है इनको फ्राई कर लूँगी अच्छे से जब तक ये हल्की ब्राउन ना हो जाए। और इनको क्रश करके भी फ्राई कर सकते हैं। अच्छे से हम लोग रोस्ट करते हुए फ्राई करेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम रखें और इस तरह से ये 2-3 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। इसी तरह से मैं सारी गुड़ियों को फ्राई कर लूंगी। फ्राई हो जाए तो हमें निकाल दो। हमारी बढ़िया उसको अच्छे से रोस्ट कर लिया है। इधर मैंने आलू को भी बड़े टुकड़ों में काट लिया, आप चाहें तो कैसा भी काट सकते हैं। साथ ही मैंने अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट तैयार कर लिया है। साथ में मिर्ची भी है, डिसी में की है। आप चाहें तो इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, बट मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाने जा रही हूँ क्योंकि प्रेशर कुकर में ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। अगर आप कढ़ाई में बनाएंगे तो टमाटर को सबसे लेट डाल, क्योंकि टमाटर आलू को पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, टमाटर की वजह से ज़्यादा टाइम लगता है। मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया, तेल के गर्म होने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा जीरा और एक चुटकी हींग ऐड करूँगी। जैसे ही जीरा अच्छे से रोस्ट आए जो है तब इसमें हम प्याज डालेंगे। जैसे ही जीरा ब्राउन हो गया मैंने इसमें प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल दिया। अब हम इसको स्लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। जितने ज़्यादा लो फ्लेम पर अब इसे पकाएंगे उतना ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट आएगा। इसे अच्छे से ब्राउन होने तक पकाएं। साथ ही मैंने टमाटर का पेस्ट तैयार कर लिया। अब आप देख सकते हैं मेरे जो प्याज हैं वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें मैं टमाटो की प्यूरी डाल रही हूँ, फ्रेश टमाटो की प्यूरी मैंने यूज़ की है। अगर आप इसको कढ़ाई में बनाने जा रहे हैं तो जो टमाटो की प्यूरी है सबसे लास्ट में आलू डालने, आलू के पकने के बाद डालें, उसे आलू थोड़े आपके जल्दी पक जाएंगे। तो इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर दें और इसे थोड़ी देर और पकने दें, तब तक पकने दें जब तक ये तेल ना छोड़ जाए। जब हमारे टमाटर अच्छे से पक जाएं तो अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें 1/2 चम्मच हल्दी यानी टर्मरिक ऐड कर रही हूँ। उसके बाद कोरिएंडर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। मसालों को 2 मिनट तक पकने दें। जीरा पाउडर और गरम मसाला हम लोग लास्ट में ऐड करेंगे जब हम इसको गार्निश करेंगे। तो थोड़ा सा मैं ज़ीरा पाउडर अभी ऐड कर रही हूँ। फिर से 2 मिनट तक और पकाएं। तो अब हम इसमें हमारे जो आलू हैं अच्छे से धोकर इसमें डाल रहे हैं। फिर इसे करीब 5 मिनट तक पकाएं। उसके बाद हम इसमें जो हमारी बड़ियाँ हैं वो डालेंगे। जो बढ़िया है वो डालेंगे हम। करीब 2 मिनट तक मैंने इन्हें पकाया है और साथ ही मैं इसमें बढ़िया डाल रही हूँ। अब इसे 5 मिनट तक इसी तरह से बिना पानी डाले हम लोग पकने देंगे ताकि जो मसाला है इनके अंदर रंग जाए। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। इसे 5 मिनट तक इसी तरह से पकाने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंगली जितनी आप करी खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंगली पानी डालेंगे और इसे प्रेशर कुकर पर ढक्कन लगाकर 2 से 3 सीटियां तक पका लेंगे, या फिर तब तक पकाएंगे जब तक ये आलू नहीं पकते। तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके आप इसे प्रेशर कुकर की सीटी बंद करके पका लूँगी। गैस के फ्लेम को पहली सीटी तेज करके और बाकी 3-4 सीटियां इसको लो फ्लेम पर लगाएंगे। अभी गैस का फ्लेम हाई है, अब इसे पकने देंगे।